पटना पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की बैठक शुरू होने से पहले ही बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। विपक्षी एकता से घबराई बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए खड़गे ने साफ कर दिया कि इस बार 2024 में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव जीतना नामुमकिन है, तो कैसे विपक्ष लामबंद होकर बीजेपी को हराएगा, देखते हैं ये रिपोर्ट। पटना में विपक्षी पार्टियों की पहली बड़ी बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐलान से बीजेपी चारों खाने चित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर जारी विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने से पहले खड़गे और राहुल गांधी सदाकत आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि बाबा साहेब के मूल्यों पर चलकर हम देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में जरूर कामयाब होंगे। उसके बाद खड़गे ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, और हम और राहुल गांधी जी ने मिलकर हमने ये सोचा, हर एक पार्टी के नेता को बुला बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे, तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि विपक्षी एकता बीजेपी की नफरत की राजनीति को खत्म करने में जरूर सफल होगी, और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए, चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो, देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है, और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा। खड़गे की इस वार से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यात्रा में युवा कांग्रेस की ओर से बैनर पोस्टर लगाने वाली टीम में शामिल मुजफ्फरनगर के एक मजदूर के ट्रक से गिरने के कारण घायल हुए मजदूर के लिए कांग्रेस ने घर बनवाया है। आज सदाकत आश्रम में कार्यक्रम के दौरान मंच से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर की चाबी मजदूर के परिवार को सौंपी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।